सम्राट चौधरी का अलग ग्रुप है, एगो विजय सिन्हा जी का अलग ग्रुप है, एगो पुराने वाले अपने मोदी जी जो है उनका अलग ग्रुप है। उसी जंगल राज को दिल्ली से हटाना है। कारण है कि बिहार सरकार कुछ भी करती है तो बीजेपी बोलती है कि गलत है, चाहे वो कास्ट सेंसस हो, चाहे कल जो हुआ है उसको लेकर बोलती है सब गलत है। तीन कृषि रोड मैप का क्या हुआ, शुभारम्भ कर दिया, तीन कृषि रोड मैप का क्या हुआ? हर एक कृषि रोड मैप का जो है एक्शन प्लान होता है, उसका बजट होता है, प्रोविजनी होता है। और आपको भी पता है कि बिहार में कितना उत्पादन जो है बढ़ा है, चाहे वो चावल का हो, चाहे वो फल का हो, चाहे वो सब्जियों का हो, चाहे वो मछलियों का हो, तो ये सब उनको तो जानकारी है। कुछ भी बोलना, बोलते रहे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो बीजेपी का मतलब ही है कि लोगों में भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, यही इन लोगों का, विपक्ष का आज के दिनों में काम रह गया है। और बीजेपी में क्या है कि अलग अलग गुट है, आपस में जो है उन लोगों में तनातनी चल रहा है कि कौन होगा भाई बीजेपी का नेता। यहाँ एगो सम्राट चौधरी का अलग ग्रुप है, एगो विजय सिन्हा जी का अलग ग्रुप है, एगो पुराने वाले अपने मोदी जी जो है उनका अलग ग्रुप है, और सांसदों का अलग है, राज्य वाले लोग का अलग गुट है। तो इन लोग तो आपस में खाली कंपटीशन है इन लोगों में कि कौन कितना झूठ बोलेगा, कौन कितना भ्रम फैलाएगा, तो उसी पे लोग लगे हुए हैं। गोपालगंज जा रहे हैं पूजा पाठ करने, खड़ा कर रहे लोग कि जवाब दें, राक्षस का जवाब, डाटा कहाँ से लाए लोग, तो बोलने दीजिए। बोलने वाले को कोई रोक सकता है क्या? अब उनके जुबान को तो बंद ताला तो हम लोग नहीं लगा सकते भाई, वो तो उनका जुबान है। लेकिन इतना फर्जी, इतने एकदम चाहते हैं तो भाई प्रधानमंत्री जी से करवा ले, कौन रोका हुआ? विजय सिन्हा जो है वो पुलिस इनकाउंटर पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, जब कार्रवाई करती है पुलिस तो भी इनको प्रॉब्लम लगता है, जब एक पुलिस कर्मी को गोली मारा गया उसी को लेकर ये सवाल है। नहीं, उस समय जो वैशाली में जो घटना हुई, हमको लगता है कि वहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट जो पुलिस है उन्होंने अपने बयान को रखा होगा, तो कार्रवाई जो हुई है तो उसमें तो पुलिस तो स्वतंत्र है ना भाई, लॉ एंड ऑर्डर को काबू करने में पुलिस स्वतंत्र है। अगर पुलिस पे हमला हुआ है, गोली चला है, उसमें एक पुलिस वाले की जान गई है, उसी मतभेद में जो है अगर अपराधी मारे गए हैं, तो इसमें किसी को कठिनाई क्या आ रही है? एक स्वर से बोलते हैं कि जंगल राज की वापसी हो गई है फिर से, हर चीज में राजनीति जो है वो लगातार। हाँ, उसी जंगल राज को दिल्ली से हटाना है।